अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सोस्केलेटन के मुताबिक पढ़ेंगे कि एक्सोस्केलेटन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं और मोल्डिंग क्या है। तो सबसे पहले एडवांटेजेस में जो एक्सोस्केलेटन है ये इंसेक्ट्स को रफ और हार्श एनवायरनमेंट से बचाता है, क्योंकि इसके ऊपर जो एक्सोस्केलेटन है वो इनर्ट और नॉन लिविंग होता है, जिसकी वजह से वेपोरेशन नहीं होती है बॉडी से, वाटर की कंसंट्रेशन मेंटेन रहती है, तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता रहता है। सेकेंड, एनिमीज उसके प्रीडेटर से उसको बचाता है एक्सोस्केलेटन, क्योंकि ये हार्ड नेचर का होता है। सेकंड, उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं क्योंकि ये अनर्ट और नॉन लिविंग होने की वजह से जो ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज है एक्सोस्केलेटन के नीचे वो बड़ा नहीं हो पाता, वो फिक्स हो जाता है। इस वजह से जो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। नंबर सेकंड, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ये हैवी हो जाता है और उसकी वजह से जो मूवमेंट है एनिमल्स की वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो स्लो हो जाती है। तो ये दो इसके डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद हमने पढ़ना है मोल्डिंग। एसिडिसिस और मोल्डिंग दोनों एक ही टॉपिक है। सबसे पहले डेफिनेशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इंसेक्ट अपने एक्सोस्केलेटन को रिमूव करता है, फिर अपनी बॉडी साइज को बड़ा करता है और फिर से नया एक्सोस्केलेटन बनाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते होते हैं मोल्टिंग या फिर एसेडिसिस। इसकी कुछ स्टेजेस है वो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। कल हमने डिस्कस किया था लेक्चर में कि सबसे पहले ये हमारे पास कोर्स की हाइपोडर्मस स्किन है। हाइपोडर्मस के बिल्कुल ऊपर जो स्किन मौजूद है वो हमारे पास एपिडर्मस है। एपिडर्मस के ऊपर जो पार्ट मौजूद है थर्ड, ये हमारे पास एंडोक्यूटिकल। एंडोक्यूटिकल के ऊपर जो पार्ट मौजूद है दैट इज मीजोक्यूटिकल, ये हमारे पास मीजोक्यूटिकल है। और मीजोक्यूटिकल के बिल्कुल ऊपर हमारे पास एक्सोक्यूटिकल। एक्सोक्यूटिकल की बिल्कुल टॉप पे जो लेयर हमारे पास मौजूद है उसको हम बोलते होते हैं एपिक्यूटिकल। ये एपिक्यूटिकल है और लास्ट वाली हमारे पास एंडोक्यूटिकल है। इस सब जो एपिक्यूटिकल के नीचे पार्ट है इसको हमने क्या पढ़ा था, प्रोक्यूटिकल। और ये हमारे पास है हाइपोडर्मल, हाइपोडर्मस। अब यहां पे होता क्या है कि हाइपोडर्मल ग्लैंड्स जो इस जगह पे मौजूद होंगे वो अपनी सेक्रीशन प्रोड्यूस करेंगे और वो इस लेयर को सेपरेट करना शुरू कर देंगे। ऊपर सारा ये एक्सोस्केलेटन है, इस सब को एक्सोस्केलेटन कहते हैं, ये बॉडी पार्ट है जो सॉफ्ट है। यहां पे एंजाइम सेक्रीशन कॉज करेंगे हाइपोडर्मल ग्लैंड जो यहां पे सिचुएटेड है और वो इस जगह पे जो है वो रिलीज करते रहेंगे। तो वो जो हमारे पास इंजाइम्स हैं वो क्या करेंगे, डेट विल सेपरेट आउट द एक्सोस्केलेटन फ्रॉम द हाइपोडर्मस। हाइपोडर्मस स्किन से एक्सोस्केलेटन ज्यादा हो गया, ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में जैसे जैसे एक्सोस्केलेटन उतरता है तो जो लोअर बॉडी पार्ट्स हैं जो हाइपोडर्मस हैं इट आल्सो सिक्रीट न्यू एक्सोस्केलेटन एज वेल। पुराने वाली उतरती जाती है, नए वाला एक्सोस्केलेटन रिप्लेस होता रहता है। ये सेकेंड पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये है, क्योंकि ओल्ड वाले ने ऊपर से बिल्कुल खत्म होने, उसके अंदर पोर्स क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, वो टूटने लग जाते हैं, पोर्स बन जाते हैं। और एट लास्ट जब उसके अंदर पोर्स आते हैं तो पोर्स बनने इनके ऐसे क्रैक्स आ गए, ऐसे मूव कर गए, ऐसे पार्ट जो है वो आने शुरू होंगे, तो उसकी वजह से स्लोली जो है ये सारे पार्ट जो है वो सेपरेट होके गिर जाएंगे, लैदा कर देगा जो इंसेक्ट है। ये इसका थर्ड पॉइंट है, सेपरेटिंग एंड पोर्स फॉर्मिंग। फोर्थ पॉइंट इसका ये है कि क्योंकि जो नया एक्सोस्केलेटन बनना है उसकी भी शेप बिल्कुल इसी लेयर्स की फॉर्म में होनी है, उसने भी इसी तरह का होना है, तो उसने डेफिनेटली बाद में उसने भी हार्ड होना है और उसकी वजह से भी एनिमल का जो बॉडी साइज है वो रिस्ट्रिक्ट होगा। तो उसके उसको हार्ड करने के लिए इसके ऊपर जो चीज डिपोजिट होगी डेट विल बी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिट होगा और फिर से एक्सोस्केलेटन हमारा हार्ड हो जाएगा। ये इसके चार स्टेप हैं।
जब तक एनिमल्स ये करता रहता है, एक्सोस्केलेटन मूव करता है, रिमूव करता है, तो वो छुपा रहता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना एक्सोस्केलेटन उतार दिया था तो बॉडी नीचे सॉफ्ट टिश्यूज वाली रह गई थी। इस वजह से उसके जो एनिमीज हैं, जो एनिमीज हैं वो उसको अटैक कर सकते हैं और खा सकते हैं। उसके बाद इस प्रोसेस को इंसेक्ट का नर्वस सिस्टम और एक हार्मोन है एसेडिसोन वो कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम एंड एसेडिसिस कंट्रोल द होल प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग और एसेडिसिस। ये था एक्सोस्केलेटन के मुताबिक। उसके बाद मेजर फंक्शन है स्केलेटन के ऑलमोस्ट डिस्कस हो चुके हैं। हमें शेप देता है, सपोर्ट देता है, हमारे मसल अटैच हैं उसकी वजह से हम मूव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी बोन्स के अंदर कैल्शियम, फॉस्फेट, सोडियम, पोटेशियम ये स्टोर होते हैं बाय होम्योस्टेसिस प्रोसेस। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है उसकी डिटेल आगे आएगी। उसके बाद हमारा जो व्हाइट और रेड ब्लड सेल है वो भी हमारी बोन मैरो के अंदर जो है वो बनता है, जिसकी वजह से जो हमारे स्केलेटन है इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। तो ये था एक्सोस्केलेटन और स्केलेटन के फंक्शन के मुतालिक। एक पार्ट इसका रह गया है जो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास एंडोस्केलेटन है। तो ये हमारे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, स्टेजेस और मेजर फंक्शन है स्केलेटन के। अल्लाह हाफिज़।